गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा एंड मैं वीडियोस बनाती हूँ नीट के ऊपर। मतलब जो भी आपको चाहिए, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे पढ़ाना हो, चाहे गाइडेंस हो, सब कुछ मैं नीट के। अगर आपको नीट देना है तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि आपको जितनी हेल्प चाहिए होगी वो सब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। मैं सारी काउंसलिंग प्रोसीजर सब कुछ डालूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी नीट दिया है। सो आई नो कि मतलब कैसे काउंसलिंग होती है, सब कुछ होता है। तो अगर आपको उसमें भी हेल्प चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो आज का टॉपिक है मिस्टेक नोटबुक। मतलब बहुत बच्चे इतना ज़्यादा टेंस थे ना कि मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी है। इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे और मैं उसको रिप्लाई करने में, टाइप करने में इतना थक गई थी ना कि कैसे रिप्लाई करूँ मैं। तो इसलिए मैंने आज वीडियो ही बना दी, कि मैंने बहुत पहले बोला था कि मैं मिस्टेक नोटबुक पे बनाऊँगी, बट फिर मेरे को टाइम नहीं मिला। सो चलो तो ये मेरी मिस्टेक नोटबुक्स है। मैं रुको आपको दिखाती हूँ मेरी मिस्टेक नोटबुक्स। तो तुम ना इतना इनका वो देख के डर जाओगे। ये देखो, ये इतनी मोटी नोटबुक है और ये सिर्फ फिज़िक्स की है, सिर्फ एक सब्जेक्ट की। इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चंस करे हैं ना फिज़िक्स के, वो सब तुम देखो मैं यहाँ पे वीडियो चला दूँगी। मतलब विद क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। और इसका पता है तुम्हें क्या फ़ायदा रहेगा? तुम कोई भी पेपर करो, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आया, जिस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट भी हुआ, तुम्हें उस टाइम पे नहीं समझ आया, बेशक तुम्हारा आंसर आ गया हो, बट तुम्हें उसका कंसेप्ट नहीं समझ आया कि वो उसको निकाला कैसे गया, तो तुम उस क्वेश्चन को विद क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसका, जिस तरीके से उसे निकाला है ना, जैसे बोर्ड में पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं, उस तरीके से उसे लिख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो विद क्वेश्चन और उसका आंसर सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। तो इससे पता है तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, कि बाद में तुम्हें पता है क्या करना है, ये जब ख़त्म हो जाएगा, ये तुमने कर तो लिया, अब हर संडे इस नोटबुक को रिवाइज़ करो, ठीक है। इस पूरी नोटबुक को तुम जब रिवाइज़ करोगे ना, तब तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें वो चीज़ें जो तुमने पहली बार में गलत करी हैं, वो तुम दूसरी बार दोबारा तो गलत करने जाओगे नहीं। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम जब तक अपनी गलतियाँ नहीं सुधारोगे ना, तब तक तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। तुम वहीं पर रह जाओगे या नीचे हो जाओगे, पर ऊपर नहीं जा पाओगे जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि तुम गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। और तुम दोबारा भी अगर वही गलतियाँ कर रहे हो तो तुम खुद सोचो कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, कि अगर तुम सेम ही क्वेश्चन में वही गलतियाँ करोगे जो चीज़ तुमने देख ली। तुम ये समझ रहे हो ना एक तरीके से, कि तुम्हारे को नीट का मॉक पहले ही मिल गया और तो भी तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आते थे तुमने वो नहीं करे, तो तुम नीट में भी जाके नहीं करोगे। तो ये तो एकदम वेस्ट हुआ ना, मॉक देने का वेस्टेज हुआ ये। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मॉक देने का मतलब ही यही है कि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए वो क्वेश्चन करो। थ्योरी से तुम पढ़ लेते हो, पर जब तक तुम क्वेश्चन से वो चीज़ें नहीं करोगे ना, तब तक फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरी फिजिक्स की है, ठीक है। ऐसे तुम्हें बनाना है कि क्वेश्चन लिखो, फिर उसका आंसर लिखो। मैं यहाँ पे वीडियो चला दूंगी कैसे कैसे सब कुछ था। एंड ये मेरी केमिस्ट्री की है, पूरी की पूरी इतनी, ये तो इतनी मोटी है, ज़्यादा मोटी नहीं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा करते नहीं है ना, फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बायो में मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, ये मेरी बायो की मिस्टेक नोटबुक। जो भी क्वेश्चंस नहीं आए, जो फैक्ट की तरह, बल्कि मैं उसको लिख लेती, क्योंकि बायो में क्वेश्चन लिखने का मतलब नहीं बनता, मतलब तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो तुम बस फैक्ट्स लिख लो एंड चीज़ें लिख लो जो तुम्हें नहीं आए, ठीक है। तो ऐसे तुम कर सकते हो कि तुम पूरा ये कर लिया मिस्टेक नोटबुक का, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट के लिए मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट, सब ने ये चीज़ पूछी थी कि आपने अभ्यास के नीट मॉक्स दिए थे। देखो, मेरे को ना उस टाइम पे जब पेपर्स थे ना, तो मैंने PW की टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, एंड मैंने सोचा कि एक ऑफलाइन भी मंगा के देखते हैं, क्योंकि ऑफलाइन देने का ना फील ही अलग होता है। तो मैंने ये देखो अभ्यास की टेस्ट सीरीज़ 1 भी मंगाई थी एंड टेस्ट सीरीज़ 2 भी मंगाई थी। अगर तुम्हें लग रहा है ये पेड प्रमोशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनकी बुराइयां करने वाली हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने ये मंगाया था और मैंने इसके 2 पेपर से ज्यादा सॉल्व नहीं करे। अगर मैं तो यहाँ पे वीडियो चला दूंगी कि मेरे पूरे के पूरे मार्क्स ना बिल्कुल ऐसे खाली हैं, मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है इसके अंदर, बिल्कुल ब्लैंक है ये। क्योंकि पता है इसके ना बहुत ज्यादा एनसीईआरटी से बाहर है, मतलब सबको लगता है कि हाँ एनसीईआरटी बेस्ड करो, बट इन पेपरों के लिए बोला भी गया कि ये बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पे बेस्ड है, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम बायो देखोगे ना, तो मुझे इसकी बायो आकाश से भी टफ लगी, आकाश की बायो इससे इजी होती है। तो तुम देख लो, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल नहीं है। जो भी मंगाने वाला है, मेरी मानो तो मत मंगाना, इससे बेटर है कि तुम एनसीईआरटी NTA के वो कर लो, क्या बोलते हैं,
मतलब आकाश के पेपर्स कर लो, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट कि मैं इनका रिव्यूज़, तुम्हें इसके रिव्यूज़ दे दिए मैंने, मत लेना बेकार है, ठीक है। एंड इवन ये गरिमा मैम ने बनाए हैं, बट मैंने यही सोच के लिए थे, मतलब तुम देखोगे ना तो हाँ इनका बहुत प्रमोशन हुआ है, नो ग्रजित, अगर किसी को अच्छे लग रहे हैं तो हाँ उनके लिए अच्छे हैं, बट मैं वो बता रही हूँ कि अगर तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड लेना है तो ये नहीं है एनसीईआरटी बेस्ड। देखो मेरे खुद के भी मार्क्स आए हैं ना, मेरे को ये पेपर ईजी नहीं लगते थे, ये पेपर ईजी नहीं है, ठीक है। तो तुम इसको मेरी मानो ना, तुम पता क्या करो, अगर तुमसे कोई बुक या फिर किसी चीज़ के क्वेश्चंस नहीं होते ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा पता है तुम्हारे लिए क्या है कि तुम एक एक एजुकेटर पकड़ लो अपने लिए, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, जैसे तुमने बायो के लिए गरिमा गोयल मैम पकड़ ली, केमिस्ट्री के लिए विशाल तिवारी सर, फिजिक्स के लिए तमन्ना चौधरी मैम। मैंने तो उनका चैनल चेक करा था, तुम उनका चैनल चेक करना, अभी जो वो सीरीज़ करा रही है ना उसके अंदर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करा रही है तुम्हारे यूट्यूब के ऊपर ही फ्री ऑफ कॉस्ट, तो तुम वहाँ से करो। तो मतलब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो तुम्हें नहीं आ रहा वो तुम लिख लो मिस्टेक नोटबुक में और वहाँ से प्रैक्टिस करो। अगर कोई और करा रहा होता है ना क्वेश्चन तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी और के साथ करो क्वेश्चन, ताकि तुम्हें भी बोरियत ना हो। वरना फिजिक्स के क्वेश्चन देखा है, अगर बुक लेके बैठो ना, मैं तो बुक लेके बैठती थी तो आधा घंटा हो जाएगा, एक घंटा हो जाएगा, मैं 10 क्वेश्चन भी नहीं करूँगी। तो ऐसे टाइम भी वेस्ट होता है तुम्हारा भी, जो करा और क्या बोलते हैं तुम्हारे, तुमने इतना, एक तो नींद कॉम्प्रोमाइज़ करो, ये करो वो करो, उसके बाद टाइम वेस्ट करो, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। कोई करा रहा है, अगर तुम भी उन्हीं में से हो कि तुमसे खुद से क्वेश्चंस नहीं होते, तो तुम क्या करो कि कोई अगर करा रहा है यूट्यूब पे, तो जो भी चैप्टर है उसके क्वेश्चन या कुछ भी ऐसे टाइप करो और फिर उसके बाद कर लो। अना के एडमी में भी जो फ्री प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर जाओ, अपना कोई फेवरेट टीचर देखो और वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है उसके साथ साथ पोल बेस्ड सेशन में करो, ठीक है। पर ये बुक के पीछे मत भागो, ये जितनी भी बुक्स होती है ना एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होती। या तो तुम ये करो कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है उनको इग्नोर कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ो, एनसीईआरटी के बिना फ़ायदा नहीं है। या तो खुद एनसीईआरटी की बुक पढ़ के तुम अपने लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस बनाओ कि क्या क्या पूछा जा सकता है, इंटीरियर एक्सटीरियर, इन ऑन फ्रॉम आउट, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मुझे तो लगता है बायो का पेपर नहीं हो जाता, नीट में इंग्लिश का पेपर हो जाता है। अभी देखा था स्पर्मिएशन पे क्या था कि फ्रॉम और इन के ऊपर वो चैलेंज कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। वो उस क्वेश्चन सही है और क्वेश्चन गलत नहीं है, बट वो फ्रॉम इन एनसीईआरटी में लिखा है तो तुम उस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। बोनस के लिए वो सबने उस पर डाल दिया है कि इस क्वेश्चन को बोनस मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला। एक वैस्कुलर कैम्बियम वाला क्वेश्चन है, सिर्फ उस पर बोनस मिल सकता है मेरे हिसाब से, और किसी पर तो नहीं मिलने वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल। ये वीडियो तुम्हारी एनटीए अभ्यास के रिव्यू और मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी है इसके ऊपर हुई। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो।